कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उद्योग आधार के फायदे क्या क्या हैं। अगर आपका छोटा कोई बिजनेस है तो आप कैसे उद्योग आधार के जरिए फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप लोन ले सकते हैं, कैसे पंजीकृत कर सकते हैं और कैसे अपना सर्टिफिकेट या बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखिए। सरकार ने छोटे उद्यमी यानी कि जिसके छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए ये योजना सामने लेकर आई है। और अगर आप उद्योग आधार के जरिए अपनी जो कंपनी है, बिजनेस है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको सरकार की तरफ से काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, ऋण दी जाएगी, लोन दिया जाएगा और काफ़ी सारे लाभ सरकार आपको डायरेक्ट सब्सिडी के जरिए अगर आप उद्योग आधार में पंजीकृत करते हैं आपका बिजनेस तो आपको देती है। फिर से स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट आइडियाज़ में। मेरा नाम है शक्ति और आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाता हूं आपकी काम की चीज़ें हर रोज़। दोस्तों, सरकार की योजनाएँ बहुत सारी आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ योजनाओं के बारे में आपको पता ही नहीं होता कि वो कैसे काम करती हैं। मैं उन्हीं योजनाओं को आपके बीच लेकर आता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर ये योजना है क्या और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आज का भी जो ये वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो में मैं आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है। दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपने उद्योग आधार के बारे में शायद नहीं सुना होगा, आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा। अगर आप में से कुछ लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया है अभी तक तो ये वीडियो आपके लिए है, आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, उद्योग आधार है क्या, सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है। दोस्तों, कोई भी छोटा से छोटा व्यवसाय खोलने के लिए, छोटा से छोटा कंपनी खोलने के लिए, छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ता है एक काम, वो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब आपका जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, उसको आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं भारत सरकार में। किसी भी व्यवसाय के लिए ये जरूरी होता है कि वो सबसे पहले अपना जो कंपनी है, अपना जो व्यवसाय है, उसको भारत सरकार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाए, तब जाके आपको आगे का जो प्रोसेस होता है वो बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने में आसानी हो जाती है, आपको टैक्स भरने में आसानी हो जाती है, आप किसी भी बैंक में जाकर लोन आसानी से ले सकते हैं अगर आपकी जो कंपनी है, आपका जो व्यवसाय है, आपका जो उद्यम है, अगर वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है तो आप आसानी से कहीं भी लोन ले पाते हैं। तो दोस्तों, उद्योग आधार योजना जो भारत सरकार लेकर आई है, इसके तहत अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर पे चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। ये कैसे काम करता है और इसमें कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताता हूं, तो आप स्टेप टू स्टेप ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना होता है इस साइट के ऊपर जिसका नाम है udyogaadhar.gov.in। आप ध्यान से इस नोट कर सकते हैं और आप रजिस्ट्रेशन इस साइट पे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अब बता देता हूं। दोस्तों, आप जैसे ही इस साइट पे चले जाते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाता है। सबसे पहले आपको यहां पे करना होता है वो है आपको यहां पे आधार नंबर डालना होता है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहां पे डाल दीजिए। मैं यहां पे मेरे पिताजी का आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूं, आप देख सकते हैं 8215। ये बिल्कुल आसान तरीका है और आपकी कंपनी आप रजिस्ट्रेशन यहां से आसान से करा सकते हैं। देख लीजिए, यहां पे वैलिडेट आधार पे क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आधार नंबर डालना है, उसके बाद आधार कार्ड पे जो नाम है उसे डालना है आपको, और उसके बाद वैलिडेट आधार पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं वैलिडेट आधार का यहां पे ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया, और जैसे ही मैंने ये ऑप्शन क्लिक कर दिया, योर आधार हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली,
यू कैन कंटिन्यू उद्योग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब आपका जो आधार कार्ड है वो मान्य हो चुका है, अब आप इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद मेरी जो कंपनी का नाम है, जिस कंपनी में का मैं मालिक हूँ, तो मैं उसका नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा कि मैं एक कंपनी चलाता हूँ, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है मेरी। देखिए यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी का संगठन का प्रकार क्या है। तो मैं एकल स्वामित्व हूँ, मतलब मैं, ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, मतलब इसका मालिक मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे एकल स्वामित्व पे क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पे ज्वाइंट बिजनेस है, यानी कि परिवार का संयुक्त बिजनेस है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पार्टनरशिप है तो यहाँ पे, कोऑपरेटिव सहकारी है तो यहाँ पे, प्राइवेट लिमिटेड के लिए, इस तरह से कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो आपको यहाँ पे एकल स्वामित्व पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ऑफिस का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरे ऑफिस का एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद आप किस राज्य से हैं, यहाँ पे राज्य का नाम, मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपको, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि जिला आपका कौन सा है। मेरा पुणे जिला है तो मैं यहाँ पे पुणे सिलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं पुणे का एक ऑप्शन आ गया है, ये मेरा जिला हो गया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। और अब जो है वो पिन कोड, ये मेरा पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो मैं अपने पिताजी का मोबाइल नंबर डालता हूँ यहाँ पे। उसके नीचे ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी है आपका, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो फर्म कब चालू हुई है उसकी यहाँ पे डेट आपको भरना होता है कि ये कंपनी आपकी कब शुरू हुई है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2015। अब आ जाएगा 2014। आप देख सकते हैं इस तरह से आप चेंज कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको ऐसा जानकारी मिल जाता है। उसके बाद जो आठवां ऑप्शन आपके पास आता है वो है प्रीवियस EM1, EM2, SSI, UAM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। अगर पहले आपने कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका डिटेल यहाँ पे नोट अप्लीकेबल में आप सिलेक्ट जैसा है वैसा छोड़ दें, और यहाँ पे बैंक का विवरण देना है। यहाँ पे मेरे बैंक का विवरण, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेवा है। तो मेरा एक ट्रांसपोर्ट है, मतलब सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब NIC कोड क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे क्लिक जैसे ही कर लेते हैं, आप इस जगह पे बिल्कुल क्लिक कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे आप जो भी कंपनी है वहां का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा ट्रांसपोर्ट है जरूर, वो भी इसमें सर्विस सेक्टर में दिख जाएगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, यहाँ पे आपको सर्विस सेवा सिलेक्ट कर लेना होता है, उसके बाद ये यहाँ पे खुल जाएगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है लैंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट विया पाइपलाइंस, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, उसके बाद 4-डिजिट कोड जो है NIC का वो आ जाएगा यहाँ पे, फ्रेट ट्रांसपोर्ट बाय रोड। इस तरह का आपका, आपके कंपनी, आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है जो आपको डालना होता है। NIC 5-डिजिट कोड, 5-डिजिट कोड में मैं डालूंगा यहाँ पे मोटराइज्ड रोड फ्रेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मेरे कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, जितने लोग काम करते हैं उनका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं कम ही डालूंगा क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी कम ही बताना चाहता है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, पुणे, सब कुछ यहाँ पे डाल दिया है मैंने। अब लास्ट काम जो मुझे करना है वो है, एक कैप्चा आ गया, इसे फिल कर देता हूँ। आप देख लीजिए ध्यान से, पूरा फॉर्म इस तरह से मैंने भर दिया है।
आप देख सकते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे आधार नंबर डाल दिया है मैंने, यहां पे मैंने प्रोप्राइटरशिप का नाम डाल दिया है, यहां से मैंने उसके बाद वैलिडेट आधार कर लिया, यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने जनरल सामान्य कैटेगरी को किया है। अगर आपका एससी है, एसटी है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, तो वहां पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेम ऑफ इंटरप्राइज मतलब आपके कंपनी का नाम, उद्यम का नाम, यहां पे मैंने डाल दिया मुक्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी, नीचे मैंने डाल दिया एकल स्वामित्व। उसके बाद मैं और नीचे चला जाता हूं, उसके बाद मैं एक बार मैं फिर से आपको ये सारी चीजें बता देता हूं। देखिए आप पूरा फॉर्म मैंने भर दिया है, अब आपको मैं यहां से एक एक चीजें वापस से बता देता हूं। यहां आधार नंबर डालना है, यहां पे आधार कार्ड का जिसका नाम है उसका यहां पे नाम डालना है, यहां से वैलिडेट आधार आपको कर लेना है। आप जैसे ही वैलिडेट आधार कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऐसा आपके सामने एक रिजल्ट देता है। उसके बाद आपको करना है जनरल सामान्य एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका है कास्ट वहां पे डाल सकते हैं, यहां पे कंपनी का नाम और यहां पे आप मालिक का नाम। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहां पे एड्रेस डालना होता है, यहां पे मैंने एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद राज्य का नाम डाल दिया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेरा कौन सा है, जिला, पिन कोड डाल दिया है। उसके बाद मैंने पिन कोड के बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे जिस डेट में मैं ये कंपनी चालू हुई है उसका डेट। अगर आप एक नई कंपनी चालू कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखें कि नया डेट डालें, ठीक है। आप अब नया कंपनी चालू कर रहे हैं तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मेरा पहले से चालू है इसीलिए मैंने पिछला डेट डाल रखा है। अच्छा, अब आप जैसे ही नीचे आते हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्थिति पूछ रहा है कि आपके कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, देख लीजिए। बैंक डिटेल्स डाल दिया मैंने उसके बाद, ठीक है। सर्विस सेक्टर डाल दिया, उसके बाद 11वां जो ऑप्शन आता है वो है सर्च एनआईसी कोड इन लेसर टाइप टू अवॉइड थ्री स्टेप सिलेक्शन ऑफ एनआईसी एक्टिविटीज। उसके बाद मैंने यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एनआईसी 2 डिजिट कोड में मेरा जो भी कंपनी है उसका सब कुछ गवर्नमेंट में लिस्टेड है। आप जो भी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अगर उद्यमी हैं, आप उद्यम अपना खोलना चाहते हैं, तो आप यहां से हर एक चीज का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की स्थिति मैंने डाल दी, यहां पे कैप्चा कोड भर दिया, और लास्ट में मुझे करना है एक काम, वो होगा यहां पे इसे सबमिट कर देना। मैं जैसे ही इसे सबमिट कर देता हूं, देखिए मैंने सबमिट बटन क्लिक कर दिया है और क्रेजर घूम रहा है। तो मैं जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करता हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख लीजिए, ये सक्सेसफुली मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये मेरा सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से, आप जो सामने देख रहे हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद जो ये खुल गया है, ये मेरा जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है, और ये पूरी तरह से मान्य है। ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, ये पूरी तरह से मान्य है, और अब मैं इसका प्रयोग कहीं भी कर सकता हूं, चाहे बैंक में करूं, चाहे मैं इनकम टैक्स भरने के लिए करूं, चाहे मैं लोन लेने के लिए करूं, हर एक तरह का यूज मैं अब इस फॉर्म के जरिए कर सकता हूं। मेरी कंपनी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो चुकी है, उद्योग आधार में मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, और अब वहां से मुझे एक कंफर्मेशन मेल भी आप देख सकते हैं यहां पे कि आ चुका है। तो मैं यहां से अब इस मेल को खोल के दिखाता हूं कि इसमें इन्होंने क्या भेजा है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो सर्टिफिकेट मैंने वहां पे मेरे लिए बनवाया, मैंने जो फॉर्म भरा उसका तुरंत एक्शन लिया गया और मेरा सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे कि मेरे सारे इंफॉर्मेशन यहां पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहां पे हर एक इंफॉर्मेशन, मेरे कंपनी का, मेरा आधार नंबर, मालिक का नाम, सब कुछ यहां पे आ चुका है। तो अब मैं यहां से इसको बिल्कुल प्रिंट भी ले सकता हूं और इसे एक फ्रेम में बनाकर ऑफिस में लगा सकता हूं, तो आने वाले दिनों में मुझे किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा। गवर्नमेंट भी अगर पूछेगी, कोई कस्टमर भी आपसे पूछता है कि आपकी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, तो आप उसे आसानी से कह सकते हैं जी हां, मेरी कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, सरकार से रजिस्टर्ड कंपनी है, और ये रहा उसका प्रमाण पत्र। ये
प्रमाण पत्र जो है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये आप हमेशा संभाल के रखें, ये आपके पूरे फ्यूचर में काम आने वाला है। अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है और हर एक चीज के लिए मान्य है। जी हाँ दोस्तों, अब आप इसको चाहे लोन के लिए भी यूज कीजिए, आप इसे करंट अकाउंट खोलने के लिए यूज कीजिए। इस सर्टिफिकेट को आप किसी भी तरह से, किसी भी सरकारी काम के लिए, किसी भी प्राइवेट काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक मान्य और वैलिड सर्टिफिकेट आपके सामने भारत सरकार ने आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कंजूसी मत कीजिएगा, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक का बटन मुझे जरूर दे दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूं। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहां से आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यही आपके तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट होगा और ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखें। जय हिंद।